मुनादी निदा देता देता थक गया, बातें सुनाने वाला सुनाते सुनाते थक गया। कौम है कि बात सुनने को ही तैयार नहीं, देख रही अपने आंखों से अपने हालात को देख रही है, अपने हालात का मुशाहिदा कर रही है, लेकिन बात मानने को तैयार नहीं। हम अपने महलों में जमा नहीं है, हम अपने कस्बात में जमा नहीं है, हम अपने कम्युनिटी में जमा नहीं है। कोई भी कौमी काम करना हो इख्तलाफात के नजर हो जाता है, कहीं मिलकर बैठने की जरूरत होती मिलकर बैठ ही नहीं पाते, किसी का माल माने होता है, किसी को इज्जत चाहिए, किसी को शोहरत चाहिए, किसी को नामो नमो चाहिए, किसी को यह ख्याल नहीं कि भाई उम्मत के जमा होने के नाम पर तो बैठ जाओ। अगर जमा हो सकते हैं अपने नाम को छोड़कर जमा तो हो जाओ, नाम तो फिर पैदा कर लेना। अगर एक साथ जमा होने से कौम का फायदा हो सकता है तो जमा हो जाओ, अपनी चीजें अपनी अना को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। हजरत साहबा ने घर नहीं छोड़ा, तिजारत नहीं छोड़ी, अपने बागात नहीं छोड़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहा और माना फिर आपके पीछे चले। बहुत से मौके आए जहां पर दिमाग काम नहीं कर रहा था, बात नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलते रहे चलते रहे। बातें बाजी बातें बाद में समझ में आती है, एक बार की नहीं थोड़ी नहीं सब बात समझ में आ सकती। तो चाहे अपना इंफिरादी मामला हो, चाहे अपना इज्तिमाई मामला हो, चाहे हमारा अपना कौमी मामला हो, किसी चीज में हम हक पर नहीं है।